लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार, लाइव टीवी एक्सप्रेस में मैं इमरान आजमी आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। प्रतापगढ़ के लालगंज में रामपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा प्रताप रुद्रपुर में भाजपा के प्रदेश मंत्री माननीय शंकर गिरी जी भाजपा सदस्यता अभियान के तहत कई क्षेत्रों से होते हुए यहां पहुंचे और ग्रामीण लोगों से बात करते हुए उन्होंने भाजपा की नीतियों और उनके कार्यों की जानकारी देते हुए सभी ग्रामवासियों से भाजपा की सदस्यता लेने की बात कही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सुषमा स्वराज जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ ही धारा 370 जैसे मुद्दों पर बात किया। मौके पर मौजूद रहे भाजपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष कमलेश गिरी, शिवाकांत त्रिपाठी जी, रोहित सिंह और कई गणमान्य ग्रामवासी। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान उनसे हुई बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार, मौजूद हूं मैं इस समय संग्रामगढ़ मंडल के रामपुर खास में, जहाँ पर ग्राम सभा प्रताप रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री शंकर गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को इस समय बढ़ावा दे रहे हैं। क्षेत्र में जाके लगातार सरकार में रहते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं, हम कुछ बातें करता दिलाएं। जैसे आप पता करेंगे, हमारे यहाँ सीक्रेट बूथों पर इस समय सदस्यता चल रही है 11 तारीख तक, जहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी है। ऐसे यादव बाहुल क्षेत्र होंगे, हरिजन बंधु होंगे और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लेकिन सरकार में रहते हुए इनका विश्वास हम जीते हैं और बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोग, यादव बंधु और हरिजन समाज के लोग, जो कोई मायावती से जुड़ा था, कोई मुलायम सिंह जी से जुड़ा हुआ था, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर विश्वास करते हुए बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 27 लाख लोग सदस्य बन चुके हैं, जो इन समाजों से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा यह मानना है कि हम इनके बीच में जाएंगे, अपने काम को बताएंगे और काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएंगे। भाई, धारा 370 तो जब से हम लोग राजनीतिक जीवन में आए हैं, जनसंघ की सन 1951 पे स्थापना हुई और प्रथम संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी समय कहा था, और हम लोग यह नारा देते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। कश्मीर में परमिट तोड़ते हुए उधमपुर में उन्होंने गिरफ्तारी दी और फिर उनकी कश्मीर में ही मृत्यु भी हुई। तो कश्मीर तो हमारे शुरू से एजेंडे में था। हाँ, विरोधी दल के लोग हमको चैलेंज जरूर करते थे कि अब धारा 370 हटा के देखें तो हम जाने, 370 हटा के देखें तो हम जाने, और जब हमने धारा 370 हटा दिया तो अब ये तिलमिला उठे हुए कि साहब धारा 370 हटा क्यों। हमारे एजेंडे में था, हमने हटाया। और जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, जिसको हम आज भी अपना मानने को तैयार हैं, अपना बनाना चाहते हैं, वो पूरे विश्व में हल्ला मचा रहा है और उसी के सुर में सुर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग मिला रहे हैं कि साहब धारा 370 क्यों हटा दिया गया। धारा अब तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सोचने का विषय है, कांग्रेस के लोग के लिए सोचने का विषय है कि धारा 370 हटाकर भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। आज भारत का हर नागरिक, किसी कोने में रहने वाला, धारा 370 के हटने के बाद वो कश्मीर का निवासी हो सकता है, कश्मीर में 1 इंची जमीन भी खरीद सकता है। और कश्मीर के निवासियों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब वो भारतीयों के साथ तालमेल बैठा के चलेंगे। अभी तक ये विरोधी दल के लोग, कांग्रेस के लोग उनको यह समझाने का काम करते थे कि साहब आप तो अलग हो, अन्यथा आज तक हमको एक नारा देना पड़ता था ना, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। हम क्यों बार बार कश्मीर हमारा कहते थे? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ संशय था। दो विधान, दो प्रधान, दो झंडा, हम एक संशय में रहते थे कि कश्मीर आज भी हमारा नहीं है। अब कश्मीर हमारा हो गया तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन सके, हम कश्मीरी और हम एक होकर काम कर सके, उस जमाने में लेकर अब उस पर उन लोगों ने हल्ला मचाया कि साहब पीओको पे बोली। अरे पीओको कश्मीर में पीओको भी है। कुल मिला के हम पूरी तरीके से संविधान के अनुरूप ही काम करना चाहते हैं, करें। भी वहां तनाव है, वो आने वाले समय तनाव तो देखिए स्वाभाविक है। अभी तक उनको मानसिक रूप से ये तीन परिवारों ने गुलाम बना के रखा था कि साहब कश्मीर हमारा अलग है, हम स्वतंत्र हैं। किस चीज का स्वतंत्र, किस चीज का अलग? भारत का जब कश्मीर था, भारत के सारे पैसे विकास में वहां लगाए जाते हैं। उनके जो ये तीन अलगाववादी और जितने नेता हैं, इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं। वहां एक कश्मीरी कोई विदेश में बेचारा गरीब आदमी पढ़ पा रहा है क्या? हम गरीब को अमीर बनाना चाहते हैं, अमीर तो पहले से अमीर है जी। जैसा कि ये तो कश्मीर के मुद्दे पे रही बात और इस पे कई सारे आजकल आ भी रहे हैं और सामान्य भी हो रहा है। हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में हमारे देश की प्रथम महिला
राजदूत जो थी उनका निधन हुआ है, इससे पार्टी और देश को क्या क्षति? स्वाभाविक रूप से परसों रात को उनका निधन हुआ है। हम सब बहुत द्रविड़ हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं कि सुषमा जी ऐसा नेता मिलना मुश्किल है। और वो पक्ष नहीं, विपक्ष के भी नेता थे, विपक्ष भी उनको मानते थे। इसलिए हम लोगों ने कल प्रतापगढ़ जब मैं आया तो वहाँ पर भी श्रद्धांजलि सभा की, यहाँ पर भी हम उनके लिए मौन रखेंगे। ऐसी नेता का जाना स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी जल्दी उस की पूर्ति संभव नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को ढाढ़स रहे और हम उनको आजीवन याद रखेंगे क्योंकि उनके मार्गदर्शन पर हम चलते रहें, आगे भी चलते रहें। जी, और आने वाले समय में ये 15 तारीख नज़दीक है, 15 अगस्त पे हमारे देशवासियों ग्रामवासियों के लिए क्या संदेश है? 15 तारीख को जिस हर्षोल्लास से हम देश को आज़ादी मिली थी, हम आज उसको मनाएंगे। हाँ, दुर्भाग्य पाकिस्तान के लिए है कि वो 14 तारीख को उनको आज़ादी हुई, वो कह रहे हैं कि साहब उसको काला दिवस के रूप में मनाएंगे। हम तो इस बार खुशी के रूप में मिलाएंगे कि जो है कश्मीर मेरा नहीं था, हम मानते थे कि साहब वहाँ दो प्रधान दो निशान है, अब वो शुद्ध रूप से एक प्रधान एक निशान वाला हो गया, इससे बड़ा हर्षोल्लास क्या हो सकता है हमारे लिए। जैसा कि आपने देखा सुना, यहाँ पर पार्टी के लिए दो चीज़ें हैं, एक दुख की घड़ी है सुषमा स्वराज जी के जाने से और दूसरा धारा 370 हटने से पूरा देश हर्षोल्लित है और पार्टी के लोग ज़्यादातर इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और आए दिन हर कोई इससे सहमत होकर भाजपा के सदस्यता भी ग्रहण कर रहा है। सदस्यता अभियान भी इसी उद्देश्य से किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी की नीतियों को और उसकी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाई जाए और उनसे देश हित में वोट करने की अपील की जाए आने वाले समय में। कैमरामैन मनोज के साथ में हरकेश कुमार चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस।